हेलो दोस्तों, तो काफ़ी अलग अलग लोगों का एक सेम सवाल आ रहा था कि EWS सर्टिफिकेट या फिर OBC सर्टिफिकेट जो है उसका फॉर्मेट क्या रहने वाला है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो रेलवे फॉर्मेट दिया है ना, ज़रूरी नहीं है कि वो रेलवे फॉर्मेट में ही आप बनाएं। अगर सेंट्रल फॉर्मेट है तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। देखो, स्टेट फॉर्मेट है तो प्रेफर करो कि सेंट्रल फॉर्मेट में मिल जाए, एक दो दिन में बन जाता है। ग्रुप डी वाले ये बात विशेषकर ध्यान रखना, क्योंकि अभी शुरू होने वाले तो मुझे लगता है ग्रुप डी वाले के पास काफ़ी टाइम होगा। तो ये सर्टिफिकेट बनवा लेना लोकसेवा केंद्र में जा करके। अपना जो स्टेट फॉर्मेट वाला सर्टिफिकेट रहता है, EWS हो या OBC जो भी, उसको आप वहाँ पर देंगे तो उसके रेफरेंस से सेंट्रल फॉर्मेट में मिल जाएगा। अब देखो, रेलवे फॉर्मेट और सेंट्रल फॉर्मेट में अंतर कुछ नहीं है, सिर्फ जो सेंट्रल फॉर्मेट है ना उसमें जो टाइम टू टाइम अमेंडमेंट हुए हैं आपके कास्ट को लेकर के या EWS OBC के स्टेटस को लेकर के, वो बस मेंशन रहता है। तो जो रेलवे फॉर्मेट है उसमें एक नीचे एक लाइन लिखी हुई है, अगर आप नोटिफिकेशन को देखोगे और वो नीचे की एक लाइन पढ़ोगे कि जो पब्लिक अथॉरिटी है जो ये सर्टिफिकेट बना रही है, वो चाहे तो मेंशन कर सकती है अमेंडमेंट्स जो टाइम टू टाइम हुए हैं। तो इस बात से अब ये डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि आपका OBC सर्टिफिकेट या EWS सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं है कि रेलवे फॉर्मेट में ही हो। बिल्कुल कंफर्टेबल रहो अगर सेंट्रल फॉर्मेट में बना लिया है तो। अगर नहीं बनाया है तो देखो, बनवा लो। नहीं बनवाओगे तो आपको ब्लॉक डेट में बुलाया जाएगा, जो आपको डबल से दूर दूर अपने RRB हेडक्वार्टर जाना पड़ेगा, तो वो उतना अच्छा नहीं रहेगा। तो बनवा लो। अब कुछ लोग बोलेंगे जिनके पास EWS सर्टिफिकेट किसी भी वजह से है ही नहीं, लेकिन उनने बस फॉर्म फिल करते समय EWS से अप्लाई किया था, तो उनके लिए एक बात है कि अगर EWS सर्टिफिकेट आपके पास है ही नहीं और आप बनाने भी वाले नहीं हैं, तो ये चीज़ मेक श्योर करो कि आपने जनरल की कट ऑफ क्लियर करी हुई हो। अगर वो क्लियर नहीं करे हो तो फिर आपका सिलेक्शन रद्द हो जाएगा। क्योंकि देखो, ऐसे रद्द नहीं होता कि एकदम से रद्द कर देंगे, बस आपको एक लेटर वो लिख करके लेते हैं एप्लीकेशन टाइप का, कि अगर मैं जनरल जो डेट वो देंगे ब्लॉक डेट, अगर मैं ब्लॉक डेट तक EWS सर्टिफिकेट या OBC सर्टिफिकेट या जो भी सर्टिफिकेट ला करके सबमिट नहीं करता हूँ, तो मुझे जनरल कैंडिडेट कंसिडर किया जाए। तो जब आप ब्लॉक डेट तक जमा नहीं करोगे ना, तो ब्लॉक डेट के बाद क्या होएगा कि आपको जनरल से कंसिडर कर लिया जाएगा, और अगर जनरल से कंसिडर किया जाएगा तो कट ऑफ अगर क्लियर नहीं करोगे तो बाहर जाओगे। तो अभी तक जो मुझे जानकारी है, जैसा मैंने देखा उसके आधार पर मेरा अनुभव ये था। अगर कुछ नई जानकारी भी आपको मिलती है तो कमेंट करके बता देना। बाकी मुझे लगता है कि मैंने जो आपको बताया वो बिल्कुल सही है। तो अगर कोई डाउट है तो, और नए डाउट है तो कमेंट कर देना। बाकी डाउट से रिलेटेड मैं वीडियो बनाते रह रहा हूँ, तो अगर आपका डाउट एक बार वो वीडियो चेक कर लेना, अगर आपका डाउट वहाँ पर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो मैं उस पर वीडियो बना करके आपको बता दूंगा। थैंक यू।